अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर अंबर फारूक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घर बैठे जो है वो लेक्चर से फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चैप्टर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोवलेंट बॉन्ड एंड टाइप्स, तो आज हमने कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स ही पढ़नी है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इससे पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग पढ़ी थी, तो आज हमने कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़नी है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर हमारे पास जो है कोवलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दोनों बॉन्ड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है। थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। किसी भी एटम्स की जो शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट हम किसी साथ रिप्रेजेंट करते हैं EN के साथ। ठीक है, EN। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम शॉर्टली किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, EN के साथ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कहा कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास है दो एटम A एंड B। ठीक है, आपके पास दो एटम है A एंड B। अब इन दोनों ने जो बॉन्डिंग की हुई है वो किस वजह से की हुई है, शेयरिंग की वजह से की हुई है। ठीक है, इनके दरमियान क्या मौजूद है, शेयर्ड पेयर, जो भी हमने कोवलेंट बॉन्ड में डिस्कस किया। अब इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, ठीक है, जो शेयर्ड पेयर बना हुआ है इसको ए भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और बी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों आइटम की जो है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है बॉन्डिंग के अंदर शेयर्ड पेयर को उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर हमारे पास दो बॉन्ड बनेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास जो टाइप्स हमको डिस्कस करने से पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो पॉलिंग था, साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक स्केल दिया था। स्केल की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो आइटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो आया हमारे पास कौन सा है, पोलर है, नॉन पोलर है या फिर आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एटम है ए एंड बी, हम देखना चाहते हैं कि ए और बी के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है। तो उसके लिए हमारे पास एक स्केल डिज़ाइन किया था, उस स्केल की मदद से हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल में उसने क्या कहा था, उसने कुछ वैल्यूज़ डिज़ाइन कर दी थी, कुछ वैल्यूज़ बता दी थी। उसने कहा था कि अगर तो हमारे पास दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम क्या करें, माइनस करें, तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, फिर दफा सुन लें, इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों को जब हम आपस में माइनस करेंगे तो माइनस के बाद जो आंसर आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोलते हैं। अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान कितना हो, 0.7 या फिर उससे लेस हो। ठीक है, अगर तो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो, 0.7 या फिर उससे लेस हो, यानी जीरो तक हो, तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास कितनी है, 2। ठीक है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कितनी है, 2 है। ठीक है, या हमने कह दिया दोनों ए सिमिलर बॉन्ड कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, दो ए के दरमियान इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कितनी है, 2 है, यानी दोनों की सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, दोनों को हमने माइनस किया तो आंसर क्या आया, 0। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब हुआ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 0। तो मतलब कौन सा बॉन्ड हुआ, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.7 या फिर उससे लेस हो, ठीक है, 0.7 और उससे लेस हो, जीरो तक चला जाए, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो हमारे पास 0.7 से ग्रेटर हो तो कितना, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है, 0.7 से ग्रेटर होता तो कौन सा बॉन्ड बनता, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये भी आगे हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान 1.7 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 1.7 से ज़्यादा हो जाए, तब कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। आपने की पॉइंट एक याद करना है, अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.7 से लेस हो तो नॉन पोलर बॉन्ड, 0.7 से ग्रेटर हो तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अगर वो 1.7 तक पहुंच जाए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी।
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं जी। हमने कहा कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, फॉर्म व्हेन टू एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, दो डेफिनेशन हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, व्हेन टू एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जब दो एटम्स की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तब जो बॉन्ड बनता है हमारे पास क्या बनेगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आप देखें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन एटम्स है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.20, इसकी भी कितनी है, 2.20। मतलब दोनों की शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों की शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या है, सेम है। तो रिजल्ट क्या होगा, जो शेयर पेयर है हमारे पास, ठीक है, वो जो शेयर पेयर है वो कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा, ना एक हाइड्रोजन के पास जाएगा ना दूसरे हाइड्रोजन के क्लोजर होगा। ठीक है, जो शेयर पेयर है वो किसी हाइड्रोजन के क्लोजर नहीं होगा, बल्कि वो कहाँ पर रहेगा, सेंटर में रहेगा हमारे पास। ठीक है, जो शेयर पेयर है हमारे पास वो सेंटर में होगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन की शेयर पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सेम है। तो सेम होने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, ठीक है, दोनों का हमने जो है डिफरेंस निकाल लिया, कितना आया, जीरो, क्योंकि दोनों की अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या है, हमारे पास सेम है। तो जब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ऐसे एटम्स के दरमियान जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी, मतलब सिमिलर एटम्स के दरमियान, तो सिमिलर एटम्स के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि सिमिलर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, दोनों की शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। तो जो शेयर्ड पेयर होता है वो कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है। ठीक है, वो ना इस हाइड्रोजन के पास आता है ना इस हाइड्रोजन के पास, क्योंकि दोनों की एबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। ये बिल्कुल आप उस तरह कंसिडर कर ले जैसे हम क्या कहते हैं, टग ऑफ वॉर। ठीक है, टग ऑफ वॉर में आपने देखा होगा जो रोप होती है वो जिसकी एबिलिटी ज़्यादा होती है उस ग्रुप की तरफ मूव कर लेती है। अगर दोनों ग्रुप्स की रोप को खींचने की एबिलिटी सेम होती है तो रोप जो है वो हमारे पास कहाँ रहती है, सेंटर में रहती है, ना एक के पास जाती है ना दूसरे के पास। तो यहाँ पर भी सेम केस है, अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सेम होगी तो हमारे पास जो शेयर पेयर है वो सेंटर में होगा। ठीक है, वो दोनों के पास इक्वली शेयर होगा और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो उस केस में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसको नॉन पोलर क्यों कहा जाता है, पोलर का मतलब होता है पोल्स। ठीक है, कौन से पोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पोलर का मतलब होता है पोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ना तो इस हाइड्रोजन पे कोई चार्ज है ना इस हाइड्रोजन पे कोई चार्ज है, क्यों, क्योंकि दोनों ने क्या की हुई है, इक्वल शेयरिंग की हुई है। ठीक है, दोनों की इक्वल शेयरिंग की वजह से ना तो इस हाइड्रोजन पे कोई चार्ज है ना इस हाइड्रोजन पे कोई चार्ज है, तो मतलब इसके अंदर पोलैरिटी नहीं है, इस बॉन्ड में कोई पोलैरिटी मौजूद नहीं है। पोलैरिटी का मतलब है चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसा कि आपने देखा था आयनिक बॉन्ड के अंदर। ठीक है, वो पोलर था क्योंकि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे, आयंस थे, जबकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है ना इस हाइड्रोजन पे ना इस हाइड्रोजन पे। तो जब कोई चार्ज नहीं होता हमारे पास तो कौन सा बॉन्ड बनता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर से क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पोल्स नहीं है, और पोल्स क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन की एबिलिटी सेम है, तो जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर कहाँ पर होगा, सेंटर में होगा, ना एक की तरफ मूव करेगा ना दूसरे की तरफ मूव करेगा। समझ आ गई आपको। अब दूसरी डेफिनेशन है, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 0.7, जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.7 से लेस होगा तो तब भी हमारे पास कौन सा बनेगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर तो सिमिलर एटम्स थे, ठीक है, यहाँ पर अब आप देखें डिसिमिलर एटम है, एटम डिसिमिलर है, लेकिन फिर भी कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 0.7 से लेस है। आप देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.55, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.20, तो डिफरेंस हमने निकाला कितना है, 0.35। अब 0.35 क्या है, 0.7 से लेस है हमारे पास, तो इसका लेस होने की वजह से हमारे पास ये कौन सा बॉन्ड होगा, नॉन पोलर। मतलब यहाँ पे भी जो शेयर्ड पेयर है वो कार्बन और हाइड्रोजन के सेंटर में रहेगा, ना वो कार्बन के पास होगा ना हाइड्रोजन के पास, तो इस बॉन्ड में भी कोई पोलैरिटी नहीं होगी, इस बॉन्ड में भी कोई पोल्स नहीं बनेगी हमारे पास। ठीक है, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दोनों बातें आपने याद रखनी है, जब सिमिलर एटम्स के दरमियान बनेगा तब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और अगर तो डिसिमिलर के दरमियान बनेगा तो डिफरेंस अगर 0.7 से लेस है तब भी कौन सा बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास आ गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बनेगा। ठीक है, सिमिलर एटम्स के दरमियान पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0.7 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, दो बातें हमें याद रखनी है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बनेगा, डिफरेंट एटम्स, और हमारे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0.7 से ग्रेटर होना चाहिए।
अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, एच सी एल की, ठीक है, हाइड्रोजन एंड सी एल, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड मौजूद है, कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमने देखना है कौन सा कोवेलेंट है, पोलर कोवेलेंट है या फिर नॉन पोलर कोवेलेंट। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.20, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.16, डिफरेंस निकाला कितना आया 0.7, जो कि 0.7 से ग्रेटर है, तो इट मीन्स इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है 0.7 से ग्रेटर है। अब जब पोल्स कैसे बनेंगे, ठीक है, अब हमने ये देखना है कि पोल्स कैसे बनेंगे। यहाँ पर आप देखें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की, ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और कितनी है 3.16, यानी क्लोरीन हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है इसकी क्लोरीन की शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, मतलब क्लोरीन की इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर को एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्या होगा, मोर टाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब क्लोरीन की अपनी तरफ ज़्यादा शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा तो शेयर्ड पेयर क्या करेगा, क्लोरीन तरफ स्लाइटली मूव कर जाएगा, ठीक है। इसका हर चीज़ ये मतलब नहीं है कि हाइड्रोजन ने अपना शेयर्ड पेयर जो है वो लूज़ कर दिया, लूज़ नहीं किया, ठीक है, होल्ड अभी भी किया हुआ है, ठीक है, शेयरिंग अभी भी हो रही है, लेकिन इसकी एबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो शेयर्ड पेयर है वो किसके न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा, न्यूक्लियस किसके करीब हो जाएगा, क्लोरीन के, ठीक है, क्लोरीन के अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर है वो किसके न्यूक्लियस के करीब हो जाएगा, क्लोरीन के न्यूक्लियस के करीब हो जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर हो जाएगा। शेयरिंग अभी भी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहा, ना कम्प्लीटली गेन हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, हमारे पास इसकी अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, स्लाइटली जो है वो शेयर्ड पेयर उसकी तरफ मूव कर जाएगा, जैसे रोप में आपके पास होता है, रोप को कम्प्लीटली छोड़ता कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ क्या होता है, रोप का झुकाव किसी एक ग्रुप की तरफ होता है, तो यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर का झुकाव है वो किसकी तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है। अब जब शेयर्ड पेयर स्लाइटली क्लोरीन की तरफ मूव कर जाएगा तो क्या होगा, क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा, कौन सा चार्ज, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा हो गया, ठीक है, उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्लोरीन के न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो गया, लेस हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो गया, लेस हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन ये फुल पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होंगे, बल्कि ये होंगे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, ये जो साइन मैंने यूज़ किया है इसका मतलब है पार्शियल, पार्शियल का मतलब है हाफ, ठीक है, मतलब फुल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, फुल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तब आता है जब कम्प्लीटली लूज और कम्प्लीटली गेन होता है, यहाँ पे लूज और गेन नहीं हो रहा, इसलिए क्लोरीन के न्यूक्लियस पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या बन गए, पोल्स बन गए, ठीक है, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, तो इन पोल्स की वजह से हम क्या उसको बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इन पोल्स की वजह से हम क्या बोलते हैं उसको, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और पार्शियल नेगेटिव क्यों है क्लोरीन पर, क्योंकि क्लोरीन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन पर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है, कम है, इस वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। यू बॉन्ड में हमारे पास क्या बन गए, पोल्स बन गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल, इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। तो जब पोलैरिटी बॉन्ड में आ जाए तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, 0.7 से ग्रेटर होगा हमारे पास। एक और एग्जांपल देखते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग देखते हैं हमारे पास, ठीक है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकते हैं जो उसने ऑक्सीजन के साथ बना लिया, ऑक्सीजन दूसरा बॉन्ड बना सकते हैं जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बनाया, लेकिन हम सिर्फ किसकी बॉन्डिंग देख रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हम देख रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हमने देख ली जी। अब हमारे पास अब क्या हुआ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.44 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.20, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इतनी है और हाइड्रोजन की शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इतनी है, तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 1.24, ठीक है, जब हमने 3.44 में से 2.20 माइनस किया तो डिफरेंस कितना आया, 1.24। अब 1.24 डिफरेंस जो है वो 0.7 से ग्रेटर है, तो बॉन्ड कौन सा हुआ, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर आप देखें किसकी एबिलिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो मतलब शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, तो ये शेयर्ड पेयर जो है वो सेंटर में नहीं रहेगा बल्कि किसके क्लोज हो जाएगा, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के क्लोज हो जाएगा और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के क्लोज हो जाएगा और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से
दूर हो जाएगा। इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑक्सीजन के क्या है, लोन पेयर, ठीक है, इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन के नज़दीक हो गया शेयर्ड पेयर और हाइड्रोजन से दूर हो गए, तो ऑक्सीजन के नज़दीक होने की वजह से इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कितना आ गया 1.24, और बॉन्ड के अंदर भी क्या आ गई है, पोलैरिटी आ गई है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस की वजह से क्या बन गए हैं, पोल्स बन गए हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है, उनके दरमियान डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0.7 से ग्रेटर होना चाहिए हमेशा डिफरेंस, और बॉन्ड के अंदर जो है हमेशा क्या बनेगी, पोलैरिटी आएगी, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस पर आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और क्यों इस पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि शेयर्ड पेयर इसके न्यूक्लियस के करीब है, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है, जिस वजह से नेगेटिव चार्ज होगा इस पर, और इसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम है, ठीक है, इससे दूर है शेयर्ड पेयर, इस वजह से इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। जो होमवर्क है आपका, आपने क्या करना है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नोटबुक्स पर अटैम्प्ट करना है, और ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके पास इसी पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपने नोटबुक्स पर अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।